दिया। अरे पुट्टू के पापा उठिए ना मेरे राजा, देखिए आपसे कौन मिलने आई हो। अरे कौन है डोबी? आपसे मिलने आई हो। ए पागल औरत, मेरी नींद खराब कर दी तूने। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे बहू बैठिया, चलिए बापूजी बुला रहे हो। जी बापूजी। बहू हम यंग बॉयज ग्रुप का 4 दिन का प्लान बना है मंदिर घूमने जाने का। जी तुम मुझे 4 बजे उठा देना, 5 बजे नीचे बस आएगी। उठा दूंगी बापूजी, आपके लिए रास्ता भी बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, बस में मिल जाएगा खाने के लिए। बापूजी थोड़ा तो ले जाइएगा। हाँ बापूजी ले जाइए। ठीक है ठीक। बापूजी 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, यही सही मौका है पार्टी साटी करने का। अरे मेहता साहेब, बापूजी ना 4 दिन के लिए बाहर गांव गए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग पार्टी साटी कर सकते हैं। हाँ अच्छा मेहता साहब, अपना फटाफट से भीड़े सोडी पोपटलार और अय्यर को बता दो कि आज शाम को हम पार्टी साटी करने वाले हैं। प्रोग्राम का माल मैं दुकान से आने के बाद लेकर आऊंगा। 8 बजे डन रखते हैं। हाँ। गर्म हो गया है नाली। मेहता साहब मेरे को ना दोया बुला रही है, मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ बाय बाय। आ रहा हूँ दोया। अरे पार्टी साटी। आज आप दुकान से बड़ी जल्दी आ गए। हाँ डॉबे। अच्छा बापूजी घर पे नहीं है इसीलिए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है डॉबी, वो घाघा की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए जल्दी आना पड़ा। अरे क्या हुआ घाघा भाई को? अरे घाघा को 6 महीने से खांसी हो रही है। ओहो ठीक ही नहीं हो रही। अरे पुट्टू के पापा, आपके हाथ में ये क्या हुआ? एक ना बहुत अच्छा वैद्य है, वो ना खांसी की दवाई देता है, चाहे कितने से कितनी पुरानी खांसी हो गायब हो जाती है इसको पीने से। इसको ना मैं फ्रिज में रख देता हूँ, ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। रख दीजिए फ्रिज में रख दीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ बना देता हूँ। ऐसी बहुत सारी बॉटल्स मैंने भर दी हैं, दवाया को शक नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हैं पुट्टू के पापा? दोया वो घाघा की जो दवाई है ना, वो मैंने अंदर फ्रिज में रख दी है, वो ठंडी रहेगी तो ज्यादा वो असर करेगी। आपकी चाय रखी है कमरे में, पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ओ पी लीजिए पी लीजिए। और वीरा कैसा? अरे मेरा वीरा तो लाखों में एक है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ वरना ढोल नाराज हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अरे बा मम्मी कोल्ड ड्रिंक? ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, खांसी की दवाई है बेटा। मैं चॉकलेट ही खा लेता हूँ। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे खांसी तो बढ़ती ही जा रही है। पुट्टू के पापा तो खांसी की दवाई लेकर आए थे, वही पी लेती हूँ। अरे
बहुत ही कड़वी हो, लगता है दवाई का टेस्ट ऐसा ही होता हो। लगता है अब खांसी ठीक हो जाएगी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हो, नाम है सहनशाह। मोगैम्बो खुश हुआ। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। क्या तू चिल्ला रही है बबीता जी? मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू थैंक यू। अरे दोया हो क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों नाच रही है? तो दया ने हमारी पार्टी साटी वाली बोतल तो नहीं गुड़क ली? अरे अब क्या करूं, अगर पुट्टू अपनी मम्मी को इस हालत में देखेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बबीता जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे कितनी इज्जत करते हैं वो मेरी। क्या करूं? शुक्र है बापूजी घर पे नहीं है। लगता है सोसाइटी में किसी को पता चल गया। दया बुड्ढू के पापा, देख तुझसे कोई मिलने आया है। आती हूँ। अरे क्या हुआ बुड्ढू के पापा, क्या हुआ? अंदर जा कोई है, जा। देखती हूँ। अंदर रहेगी ना, सही रहेगा। जाकर देखता हूँ कौन है। अरे पुत्र बेटा तूने दरवाजा खोल दिया, कौन आया है? पापा खुद देख लो कौन आया है। ओह नो, बापूजी आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं बापूजी, आप 4 दिन बाद आने वाले थे ना। अरे वो रामचरण की तबीयत खराब हो गई तो इसलिए जल्दी आना पड़ा। अभी हम अगले हफ्ते जाएंगे। वैसे बहू कहाँ है? दोया? बापूजी दोया की तबीयत खराब है, अभी वो रेस्ट कर रही है। पुट बेटा दादाजी का ख्याल रख, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ दादाजी, आपको अचानक से खांसी कैसे होने लगी? अरे पुट्टू बेटा मैं बस में ना खिड़की की तरफ बैठा था तो ठंडी हवा की वजह से शायद मुझे खांसी लग गई। रुको दादाजी, मैं भी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, पापा लेकर आए हैं, उससे ना पुरानी से पुरानी खांसी भी ना दूर हो जाती है। ये रहा दादाजी। अरे बेटा इसका टेस्ट तो बड़ा अजीब सा है। दादाजी चलो कमरे में चलते हैं, वहां जाकर आप रेस्ट कर लो। हाँ बेटा चल। अरे फिर से खांसी शुरू हो गई, लगता है फिर से दवाई पीनी पड़ेगी। बहुत खांसी लग गई हुआ, पुट्टू के पापा जो दवाई लेकर आए बहुत अच्छी हुआ। अरे ऐसे तो खांसी निकल जाती है, ऐसा लग रहा हवा में उड़ रही हूँ। अरे
अच्छा हुआ बापू जी को पता नहीं चला, वरना आज वो मुझे घर से निकाल देते। और सही समय रहते मैंने दया को अंदर बंद कर दिया, वरना बापू जी उसको देख लेते तो मुझे बहुत मारते। कुछ ढूंढ रहे हो पापा? बेटा वो मैं दवाई ढूंढ रहा हूँ। खांसी की दवाई? हाँ। पापा दादाजी बाहर सफर से आए थे ना, तो उनको खांसी लग गई थी, तो वो दवाई ना मैंने उनको पिला दी। अरे छोटी दया। पापा वो दवाई एक्सपायर हो गई थी क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं ना दादाजी के लिए पानी लेने आया था, उनको पानी देकर आता हूँ। हे भगवान, बापूजी ने भी पी ली, अब क्या होगा? फटाफट से बाकी बची बोतल छुपा देता हूँ। अरे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही बोतल पड़ी है, वो भी आधी। लगता है दोया एक और ले गई। ये डोबी। मेरी खांसी तो एकदम ठीक हो गई, ये तो बड़ा कमाल का। अरे डोबी बाहर आ गई, मैं तो उसको बंद करके गया था, लगता मैंने अच्छे से कुंडी नहीं लगाई थी। डोबी। अरे पुट्टू के पापा, कल और ले आना, इससे मेरी खांसी चले गई। पापा। पुट्टू। क्या हुआ पुट्टू? बैठ। अरे दादाजी और मम्मी को क्या हो गया? अरे मुझे खांसी लग गई है, मैं भी दवाई पी लेता हूँ। हाय गाइस, सो अब से शुरू हो रहा है मोहकमी चैनल पर एक न्यू सेगमेंट जिसका नाम है डीएम ऑफ द वीक। सो डीएम ऑफ द वीक मुझे इंस्टाग्राम पे आया है आयुष की तरफ से, वो है थैंक यू आयुष हमें डीएम भेजने के लिए। अगर आप भी आयुष की तरह हमारे नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @mohakmeet, और साथ ही साथ मुझे भेजें डीएम। बेस्ट डीएम को फीचर करेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब टू मोहकमीत एंड सब्सक्राइब टू मोहकमीत वाइंस नाउ। हाय गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM, क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे। याद रखना, तो फटाफट से मोहकमीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब करें टू मोहकमीत।